हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आप लोग से बताना चाह रही हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो गया है और मैं मंदिर जा रही थी, तो सोची कि थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी और मंदिर जा रही थी, शाम हो गया था और दीपक जलाने जा रही थी, और वहाँ पे हम और मेरी देवरानी और मेरे बेटा सब साथ में जा रहे थे। तो बता दो गाइस, आप लोग देख सकते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तो आप लोग जरूर बताइए। और खूब हम लोग मौज मस्ती करते जा रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे। हंसी भी आ रहा था वहाँ पे, हम लोग हंसते हंसते खूब जा रहे थे, क्योंकि रोड पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। बहुत लोग जा रहा था लेकिन किसी का नहीं कर रहे थे, हम लोग अपना ही वीडियो शूट कर रहे थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भुलाइएगा, लाइक दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरी देवरानी मुरेठा बांध रही थी, मजाक चल रहा था बहुत ज़्यादा। आओ इधर आओ, मेरे पास हो रहा था कि छोटी मम्मी एक फोटो ले लीजिए और देख लीजिए बांध के ऐसे, और हो रहा था। तो शाम का टाइम था तो इसलिए इतना फ्रेश नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आके हम मंदिर में आ गए, और मंदिर में आके दीपक जला रहे थे, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था दीपक जलाना। तो हम लोग बाहर ही बैठ के दीपक जला रहे थे, और आप देख सकते हैं। और देखिए माता रानी और भगवान जी का हम लोग दीपक जलाए, और माता रानी का भी दीपक जलाए बैठ वहाँ पे उनके दरवाजे पे, और भोलेनाथ श्री शंकर जी का भी दीपक जलाए। और बताइए यहाँ पर बाबा गुस्सा होके दूसरे किसी का पास जा रहे थे, क्योंकि शंकर जी का मंदिर में लोग दीपक जला रहा था अंदर घुस के, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं वो जा रहे थे। उनका पैर टूट गया है, काफ़ी दर्द था, लेकिन तभी भी वो जा रहे थे डांटने, क्योंकि अंदर बोल रहे थे कि नहीं दीपक जलाने के लिए, बाहर ही जला देने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग था। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट टाइम में पहुंच गए थे, तो बहुत भीड़ कम था, देख सकते हैं आप लोग, बहुत दीपक भी अभी कम था वहाँ पर। लेकिन बाद में तो इतना ना भीड़ हो गया कि बहुत काफ़ी भीड़ आप लोग। और आप लोग सुनिए, गाना सुनिए, क्योंकि गाना भी वहाँ पे बहुत लोग आ रहा था, और कितना अच्छा लगता है भजन कीर्तन होता है। तो आप लोग जरूर सुनिए, एंजॉय कीजिए। बाबू
फाइनली हम लोग वहाँ पे पूजा गए, जब वो देखता रहे हैं कि मैं वहाँ पे कर रही थी और मेरी देवरानी भी कर रही थी पूजा वहाँ पे मंदिर में, और दीपक जला रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखिए और सब लोग आप लोग जलाए होंगे। ज़रूर कमेंट कीजिएगा किसके किसके घर दीपक जला और कौन कौन मंदिर में जाके जलाया, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सब लोग। उस दिन तो लग रहा था एकदम जिधर देखो उधर दीपावली ही मन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी धीरे धीरे लोग वहाँ पर फैल रहा था, बहुत सारा दिया जलने लगा। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट में गए थे तो काफ़ी मतलब ये नहीं था, लेकिन उसके बाद में तो बहुत सारा भीड़ हो गया यहाँ पे। बहुत लोग अलग अलग दिया बार के रख रहे थे क्योंकि उसमें आग पकड़ लेता था ना, किसी के अगर पड़ जाएगा साड़ी कपड़ा तो जल जाएगा, इसीलिए नीचा ही बहुत लोग अच्छा से होशियार था जो नीचा ही बार दे रहा था। और यहाँ पे रंगोली भी बना था और मैं रंगोली के पास भी दिया जला रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और इतना ही मतलब हो गया था कि लाइट नहीं था, लाइट कट गया था, बहुत दिक्कत हो रहा था, लाइट नहीं था। तो नहीं तो लाइट रहता तो मज़ा आ जाता, बहुत अच्छा वहाँ पे लग रहा था। रंगोली चारों तरफ बना हुआ था, नंदी भगवान के पास भी दीपक जल रहा था आप देख सकते हैं, और यहाँ पे शंकर भगवान के पास भी दीपक जल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। गाइज आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा इतना उसमें भीड़ भी था, ऐसे लोग नहीं मान रहा था, कितना हो बाबा मना कर रहे थे कि दीपक अंदर नहीं जलाने के लिए, लेकिन तभी भी लोग नहीं मान रहा था। कितना हो डांट दो बोल दो लेकिन लोग को जो करना रहता है वो करिए रहता है। तो इसीलिए हम दीपक ऐसे हाथ में रख रख के और साइड साइड में मैं रख रही थी कि अच्छा, पूरा मतलब यहाँ पे सब जगह देखिए यहाँ पे भी रखूँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा सा डॉग था, आप देख सकते हैं मेरा बेटा उसी से खेलने लगा। अंधेरा बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया था, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा था। और मैं चप्पल वहाँ पे पहन के अब हम लोग चप्पल क्योंकि रात हो गया था ना तो चप्पल ले जाना पड़ा क्योंकि रात के लौटने में रास्ता में दिक्कत होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम सब पहन के अब निकल रहे हैं। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, ज़रूर इंजॉय कीजिए। छोटी मामी लोग का छोटी मामी लोग बउआ बउआ तो गए ही रंगोली आप लोगों का कैसा लगा जरूर देखिए, कितना मस्त रंगोली था, इतना अच्छा था काफ़ी कि मतलब हम लोग जब मंदिर से निकल रहे थे तो अचानक देखे इस रंगोली को नज़र पड़ा क्योंकि लाइट नहीं था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो उसके बाद में हम रंगोली का थोड़ा फ़ोटो लिए और यहाँ पे
थोड़ा वीडियो शूट किए, वीडियो शूट करके उसके बाद में हम लोग, अब आप लोग बने रहिए, देखते रहिए कि हम लोग क्या किए, और ज़रूर आप लोग देखिएगा गाय कि जो मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और प्लीज जो नए चैनल पे हो सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भुलाइएगा, और वीडियो आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, स्किप करके नहीं देखिएगा। यहाँ पे मैं गाना सुन रही हूँ, मंगल भवर मंगल हरि रघुनंदन हरि, और बताइए आप लोग, आप लोगों को गाना ही कैसा अच्छा लगता है कि नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा। सालों में गाने वाली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाना, मंगल भवन मंगल हरि। यहाँ पे फिर मैं कछुआ के पास आ गई, क्योंकि सुबह में देख के गई थी कछुआ, लेकिन सुबह में तो दिख रहा था, अभी रात हो गया था तो नहीं दिख रहा था, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग रास्ते में अंधेरे में चल रहे हैं, ये मेरी देवरानी है, अभी जला रही थी दिया, और आप लोग देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, कहीं जा तो हमारी ये ड्यूटी रहे, यहाँ पे इनार के पास रख रही थी, पकड़िए तो छोड़ी मिनट सुगर के दिखा दे, अंधेरा में लुका तक चलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा मंदिर, चल पानी गिरा दे, और ना 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 चलो पानी नहीं गिरा दे, आओ इधर, और कुआं कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, आजकल तक कहीं कुआं नहीं मिलता है, पर कुआं मतलब देख सकते हैं कहीं अचानक जगह पे कुआं मिलता है, मेरे यहाँ का कुआं कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं वहाँ से घर आ गई, या घर आके छत पे दिया जला था, दिया नहीं कैंडल था, और कैंडल एकदम जल रहा था, तो मैं थोड़ा सोची कि जो छत पे चढ़ती हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो कॉलिंग फ़ोन आ रहा था कि दिया जलाया है सबकी नहीं, तब मैं दिखा रही थी, लाइट तो नहीं था पर जो जल रहा था वो दिखा दी मैं, चारों तरफ ऐसे जला दिया गया था थोड़ा बहुत, और नीचे वाला बस मतलब छत पे जला था, और इधर से आप लोग देख सकते हैं मैं छत पे चढ़ के पूरा दिखा रही थी, और आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लग रहा था कि चारों तरफ दीपावली है, लाइट रहता तो और अच्छा लगता सब किसी के घर पे, और बॉल बत्ती भी जलता, लेकिन पर कैंडल ही जल रहा था, देख सकते हैं आप लोग, बहुत काफ़ी अंधेरा था तो कैंडल का ये पूरा लुक रहा, आप लोग देखिए और इंजॉय ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए, देखिए कैंडल जल रहा था, कैंडल का पूरा वीडियो, और मैं वहाँ से अब फाइनली घर से आ रही थी, तो अब का वीडियो है, मैं आ रही थी घर से तो सोची कि थोड़ा शूट कर लेती हूँ, और वहीं वीडियो शूट करके आ रही थी, देख रही थी रास्ता में काफ़ी ठंड था, मैं कान तोप के एकदम बैठी थी, आप लोग देख सकते हैं, और धूप निकला हुआ था क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, और सिर्फ बैठ के हंस रही थी क्योंकि चल रही थी तो काफ़ी हवा लग रहा था, तो मुझे हंसी आ रहा था कि पूरा एकदम कान बनले बनले एकदम लग रहा था कि पूरा अजीब सा हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ रही थी, और बताइए आप लोग कैसे, और आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इधर का देखिए पूरा खेती बाड़ी सब्जी जो मतलब उपजाते हैं वहीं सब सब्जी लगाए थे, तो मैं थोड़ा वीडियो शूट की, क्योंकि गेहूं का खेत था और सब्जी वाले का खेत था, और यहाँ चंदा बच्चा सब चंदा जो रहा था सरस्वती पूजा का, और आप लोग देख सकते हैं
घर से आने के बाद में ना झोला झोली जरूर हो जाता है गाइस, क्योंकि इतना ना सामान रखना पड़ता है, चप्पल जूता अभी चाभी बहुत सारा सामान रखना पड़ता है, बहुत झोला। घर से तो मैं आती हूँ तो काफ़ी खैर हो जाता है, वो तो पूछने वाला बात नहीं है। मुझे तो हाथम आते हैं तो गाड़ी से अगर आए तो गाड़ी पर जाता है, ये तो हवा हवाई से थे वो, तो वो भी बहुत काफ़ी सामान था। और आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, क्योंकि दूर नहीं है मेरा घर से रक्सौल, इसीलिए मैं कुछ चलाती हूँ, कुछ भी से चलाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं ये पोखरा है मेरे यहाँ का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं पोखरा है और नहर है, नहर के पास पोखरा है, कितना अच्छा लगता है आप लोग देख सकते हैं। पोखरा के आस आरी आरी एकदम बॉल बत्ती सब, रात को तो बहुत अच्छा लगता है, रात में चारों तरफ से बॉल बत्ती चलता है। और यहाँ पे मंदिर था जय माता की, जरूर सुनिए आप लोग, माता रानी का मंदिर था। और हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो सोचे कि थोड़ा शूट कर लेते हैं वीडियो, इसलिए शूट कर लेती हूँ। और बताइए आप लोग, आपको कैसे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं बैठी थी, एकदम इतना हवा लग रहा था कि मन उदास उदास जैसा हो गया था, काफ़ी हवा लगने पर उदास हो जाता है मन, लो मन पूरा उच्च हो जाता है। यहाँ पे भी बगल में एक मंदिर था हनुमान जी का, आप लोग देख सकते हैं, क्रॉस कर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा हनुमान जी का मंदिर का भी इसमें आ जाओ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा शूट कर ली। और आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जरूर देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आ रही थी तो सोची कि थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, आज काफ़ी मेरा मन उदास था, क्योंकि बाबू छोटा था ना तो उसको छोड़ के मैं आई थी, और मुझे उसको बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा मन उदास अजीब सा लग रहा था, मेरा मन अच्छा नहीं, मैं कहीं नहीं घुस पा रही थी, सोच रही थी कि जो वो बेचारा सोएगा तो क्या कहेगा। जरूर देखते रहिए, आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गेहूँ का खेत कितना अच्छा हरहरी है, और गाइस आप लोग देख सकते हैं हरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, गेहूँ अच्छा था, ठंडा तो ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी जो पड़ा है वो अच्छा पड़ा है, क्योंकि गेहूँ ठंडा नहीं पड़ता तो नहीं होता, तो इसीलिए ठंडा पड़ा तो अच्छा है कि ठंडा पड़ गया, नहीं तो गेहूँ नहीं होता थोड़ा सा भी, और काफ़ी टाइम लगता है इसीलिए। और मैं धीरे धीरे क्योंकि मैं पहुँचने वाली हूँ अपने डेरा के पास, और आप लोग देख सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज नहीं भूलिए, करते रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो, और कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए। और देखिए, और यहाँ पे बहुत लोग आ रहा है, क्योंकि रोड है ना, चालू रोड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा, मैं तो अकेले रहती तो वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है गाड़ी बस में वीडियो शूट करें, इसलिए वीडियो हो गया शूट की। मैं तो आती हूँ तो ऐसे बस में नहीं आती हूँ, जो होता है जिससे मैं जो गाड़ी से आऊँ, लेकिन मैं स्पेशल अपना ही गाड़ी रिजर्व करके आती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, जरूर देखते रहिए आप लोग वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये बस नहरी रोड है, कितना अच्छा नहर है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भुलाइएगा इस प्लीज कर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और थोड़ी देर में बस पहुंच जाऊंगी अपने घर, और आप लोग देखते रहिए वीडियो, और इन्जॉय करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भुलाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और
काफ़ी आज टूरिंग का वीडियो रहा, टूरिंग किया मतलब सफ़र, ऐसे लगता है कि पूरा हरियाली टाइप का पूरा श्रेय है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम मेरे यहाँ तो श्रेय बोलता है लोग पूरा मतलब जो प्लॉट के, लेकिन आप लोग के यहाँ पता ना क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ तो वही बोला जाता है। लेकिन कितना अच्छा लगता है हरा हरा एकदम, और सरसों का फूल भी फुलाल रहता है इस समय में, और काफ़ी गेहूँ मतलब हरा हरा दिखता है चारों तरफ, इधर देखो उधर गेहूँ ही लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोग से बताती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भुलाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो को देखते रहिए, मैं थोड़ी देर में ही अपने रूम में पहुँचूँगी, आप लोग इंजॉय करते रहिएगा ज़रूर, और बने रहिए वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर नहीं भुलाइएगा, क्योंकि आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो आगे बढ़ पाए, और आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट का ज़रूरी है, सपोर्ट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं जब वीडियो डालूँगी तो आपके पास पहुँच पाएगा, आप देख पाइएगा। और अभी मैं अपना जो देखिए यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा क्लिप लगा दी थी कि मैं सोची कि थोड़ा आप लोगों को दीप जला के दिखा देती हूँ कि मोमबत्ती कैंडल का मतलब कैसा रहा लोग, और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलाइए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए ओके बाय।